सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। देश का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र अवसरों से वंचित ना रहे, यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ये बोल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा दिया बल्कि उसे सुशासन की आत्मा भी बताया। लेकिन मोदी विरोध की पट्टी बांधे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मोदी राज में सबका विकास नजर नहीं आता और बिना किसी पड़ताल के कुछ भी लिख लेते हैं। आपने ठीक समझा, हमारा इशारा अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ओर है, जो उस वक्त सुर्खियों में आई जब इसके कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर के संग भारी भरकम शब्दों के साथ टाइटल दिया गया, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी फूट डालने वालों का मुखिया। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में घमासान मचना तो लाजमी था। हमले करने का मौका ढूंढने वाली कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल सच लिखा है, तो वहीं बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया। लेकिन इस पर पीएम मोदी जी का क्या कहना है, अब ये हम आपको बताते हैं। जो कि महज वोटिंग का एक चरण बचा है, और ऐसे में इस विवादित कवर पेज पर पीएम मोदी जी ने भी पलटवार करते हुए कहा, इसे लिखने वाला पत्रकार पाकिस्तानी है जो इसकी विश्वसनीयता के लिए पर्याप्त है। वहीं पीएम मोदी ने इस मामले पर न्यूज 18 से खुलकर बात की और कहा, मैं ये समझता हूं कि बीते 20 साल से मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिन रात मेहनत के बावजूद उनकी खुद की छवि खराब हो गई है। मुझे अब इन लोगों पर दया आती है। हमें ये भी समझना होगा कि ये डिवाइडर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। तो जो टाइम मैगजीन आज अपने कवर पेज पर पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ बता रही है, उसी मैगजीन ने साल 2015 में पीएम मोदी पर स्टोरी छापी थी और टाइटल दिया था व्हाई मोदी मैटर्स, और अब उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। असल में मैगजीन को छपकर बाजार में 20 मई को आना है और उससे एक दिन पहले यानी 19 मई को भारत में सभी चरणों के लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके होंगे, लेकिन उससे पहले ही इसकी कवर स्टोरी को सार्वजनिक कर दिया गया। आखिर क्यों? जो कि लिखने वाले लेखक आतिश तासीर का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, उन्होंने पीएम मोदी की बांटने वाली शख्सियत के पीछे तीन उदाहरण दिए। पहला लिंचिंग, दूसरा यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को नियुक्त करना, और तीसरा मालेगांव धमाके के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाना। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। पीएम मोदी की वो कल्याणकारी योजनाओं को भी देखना चाहिए जिसका फायदा आज समाज का हर वर्ग ले रहा है, और फ्रांस को पछाड़ते हुए छठे स्तर पर पहुंचती देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इन 5 सालों में पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ का खिताब देना सही है? इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये सुशासन की आत्मा है। देश का कोई वर्ग, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र अवसरों से वंचित ना रहे, यही प्रयास हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, कल पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया है। आजादी के इतने दशकों के बाद गरीबी के कारण बड़ी असमानता को स्वीकार करते हुए उसका समाधान खोजने का एक प्रयास किया गया है। सामान्य श्रेणी के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में
आरक्षण मिले, इस तरफ एक महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठाया गया है। और मजा यह है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले भी नारेबाजी बहुत हुई, चुनावों के समय घोषणाएं भी बहुत हुई, और तब मैं सबको खुल करके कहता था चुनाव में लाभ हो गैर लाभ हो उसकी परवाह नहीं करता था। मैं बता देता था कि देखिए 50% के बाहर कोई अगर वादा करता है तो सब बेईमानी करते, ऐसा मैं कहता था, क्योंकि 50% के ऊपर जाना है तो संविधान संशोधन के बिना नहीं जा सकते हो। अगर उसके सिवाय किसी ने वादे किए थे तो कोई दलितों को जो मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई आदिवासियों से मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, कोई ओबीसी को मिला है उसमें चोरी करना चाहता था, और उसमें से निकाल निकाल करके किसी की झोली भरना चाहता था ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। और इसलिए हमने कहा था कि ये पहले संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होता। और आज मुझे खुशी है, जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया, संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना, ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के उच्च वर्ण के लोगों को भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये चुनाव के समय क्यों लाए, मुझे बताइए ऐसे कोई 6 महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर 3 महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के तेलंगाना के चुनाव के लिए लाए हो, उसके पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हूं। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में 2-2 बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए, 5 साल में एक बार ही चुनाव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खर्चा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दिन रात इसी में लगे रहना बंद होना कि नहीं होना है? सरकार 5 साल पूरा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो बार बार चुनावों में लगे रहे, पुलिस के लोग कानून व्यवस्था देखेंगे कि चुनाव के डिब्बे संभालेंगे, यही चलता रहता है। लेकिन ये नेताओं को देश की चिंता नहीं है, उनको तो जो एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं थे, चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं, उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है
तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। आप मुझे बताइए, ये चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये चौकीदार ने किसी से डरना चाहिए क्या? ये चौकीदार पर आपके आशीर्वाद है क्या? ये चौकीदार ने ईमानदारी से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश का लूटा हुआ धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर चौकीदार, मैं हर देश को एक एक चौकीदार के रूप में खड़ा करने पर लगा हुआ दोस्तों।